हेलो एवरीवन, आप सबको जो है दोबारा वेलकम बैक। आज जो है देखेंगे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो नाइट मैसेज स्कॉलरशिप है उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसे में तो इसकी लास्ट डेट जो है ये अक्टूबर में आ रही है, ठीक है। तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एक्सप्लोर करना है, वो सब आपको जो है गाइड किया जाएगा। सो और शो के आप जो है इसकी डेट है फ्रॉम स्टार्ट वन देखेंगे। सबसे पहले आपने जो है ना नाइट मैसेज स्कॉलरशिप के लिए वेबसाइट ओपन करनी है, सर्च करनी है। फिर उसके बाद आपने जो है ना देख सकते हैं कि द नाइट मैसेज स्कॉलरशिप के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आपके पास पोर्टल आ जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है ना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप अप्लाई करने क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा स्टार्ट योर एप्लीकेशन। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने जो है एक पोर्टफोलियो में जाके एक अपना लिंक बनाना पड़ेगा, अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू जो है आप अपना सारा डाटा जो बायो डाटा वगैरह आप अपलोड करेंगे और आपका जो है एंड में आप उसके एप्लीकेशन को फायदा कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो चीज़ है तो आप अकाउंट अपना ये दूसरे कर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट बनाया हुआ है प्रीवियसली तो आप उसको लॉगिन करके दोबारा अपना डाटा अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बनाया, मैं इसको लॉगिन करूँगा, ठीक है, अपने आई डी के साथ और पासवर्ड डाल के उसमें लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि इन केस अगर आपने अपनी एप्लीकेशन से पाया तो वो आपकी एप्लीकेशन है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। इन केस अगर नहीं है तो वो आपको स्टार्टिंग से अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको जो है ना प्रॉपरली गाइड कर सकें। तो सारा कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऑलमोस्ट इनपुट किया हुआ, तो आपको ये है क्या कि प्लस पॉइंट आपको सारी गाइडलाइन वहाँ से मिल जाएगी। सबसे पहले क्या है कि आपके पास जो है कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको गो थ्रू करने का है, ठीक है। बता रहा है कि आप कौन कौन से प्रोसेस को कर सकते हैं और किस टाइप के प्रोसेस, 2 years के, 1 year के, 3 years के। इसके बाद आपको पर्सनल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, आपको सर्वना है, ठीक है। आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके फैमिली बैकग्राउंड में कितने मेम्बर्स हैं, ठीक है। आपकी जो एड्रेस है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आपकी रेजिडेंसी कहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप अपने कौन से सिटीजनशिप, कौन सी आप लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं, एक इंटरनेशनल है, फिर आपकी मोटिवेटी। उसके बाद सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आना होता है कि आपके फैमिली मेम्बर के साथ क्या रिलेशनशिप है, साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएट भी किया सकती है तो उसमें आपने फंडिंग है वो आपने कैसे किया है उसमें एक्सेप्ट किया। तो मोस्टली आप 80% अगर फैमिली को लिखेंगे तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, क्योंकि आप अपनी बेस पर होते आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। इसके बाद आपके पास है डिग्री प्रोग्राम, ये ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, और ये है कि आपको एक देखा जाएगा कि पोस्ट ग्रेजुएट में क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे लिंक भी है वेबसाइट का, वहाँ पर हम जाते जाना डिफरेंट कोर्सेज को चेक कर सकते हैं कि अपने यहाँ से आपको कौन सा सुविधा लगता है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड होगा या आप चूज करें, ठीक है। तो इसके बाद आगे आपने जो है ना अकेडमिक्स में आ जाना है, यहाँ पर अकेडमिक्स के लिहाज से आपसे ट्रांसक्रिप्ट मांगने मांगेगा। इसमें ट्रांसक्रिप्ट मांगने से इसमें ये चीज़ है कि अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट अकेडमी है तो आप अनऑफिशियल भी बना सकते हैं, आप उसको जो है ना प्रसिद्ध कर सकते हैं, वीडियो निकाल कर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं थी आपको बताया, इंटर्नशिप भी आपके वहाँ पर आएंगी। उसके बाद एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट होंगे, आपके क्या क्या हॉबीज हैं वो आएंगी। उसके बाद आपके पास पूछेंगे कि आपके अवार्ड्स हैं, अगर आपने कोई स्किल्स हैं अवार्ड लिए हैं तो वो मेंशन करेंगे। उसके बाद स्कोर्स, अगर आपने आइल्स किया हुआ या जी आर ई किया हुआ या तो फिर किया हुआ, मैंने आइल्स किया उसके रूप में रिजल्ट अपलोड किया। जी आर ई अगर आपका है प्लस पॉइंट है वो मस्ट है आपके लिए, वो आपके लिए एक दिन अच्छी साबित हो सकता है अगर आपने किया। उसके बाद आप अपनी जो है ना सीवी अपलोड करेंगे, रेज्यूमे जो आपने अपने ग्रेजुएट डिग्री डाल के और अपनी क्वालिटी कार्ड है वो सारा आप इसमें अपलोड करेंगे, सेव करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आप कोशिश करेंगे एक टेस्ट किया, जिसमें रिकमेंडेशन में आपने रिकमेंडेशन आपने लेटर्स ले लें। लेकिन यहाँ पर चीज़ ये है कि यहाँ से आप अप्लाई करेंगे साथ यहाँ से उनको जो है एक रिमाइंडर मिल जाएगा कि आपने यहाँ से अप्लाई किया तो आपको रिकमेंडेशन लेटर द्वारा रिसीव करेंगे, ठीक है। ये आप देखेंगे कि लास्ट की डेट से पहले आपने यहाँ से रिमाइंडर उनको दोबारा क्लिक करके आगे करना है इन केस की उनको याद ना हो। उसके बाद आपके पास ऐसे क्वेश्चन जो आपके लाइफ से बहुत कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, अगर आप स्कॉलरशिप ज्वाइन करेंगे उसके बाद आप क्या क्या जो ज्वाइन करें, आपने क्या हम वो बनाया हुआ है, उसके बाद आपके कुछ स्किल्स हैं या कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज की बातें पूछ रहे हैं जो कुछ आप जानते हैं और बताएँ। उसके बाद आप ये बताना है कि आपके स्कॉलरशिप से अपनी लाइफ में आपको क्या क्या चेंजेस होंगे, आपने क्या क्या ज्वाइन किया हुआ जो कि आपकी पर्सनल लाइफ जो है इम्प्रूव होती है। उसके बाद हमारे पास एक आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन के जैसे अगर आपको कुछ एडिशनली मैंशन करना हो, आप जैसे फॉर्म में आपसे कुछ पूछेंगे तो
जैसे अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग किया है, आपको पहला व्यक्ति इसके कार्ड है, ठीक है, उसके बाद जो आपने जो इन्फॉर्मेशन है नाइट मैसेज वाले शुरू कहाँ से लिए, ठीक है, आपको शुरू देख सकते हैं, इंस्टाग्राम लिख लिया, व्हाट्सएप लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास आएगा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि हमने डाल दिया। इसके बाद आपसे पूछना सिग्नेचर, ठीक है, मीन्स जो यहाँ पर सिग्नेचर स्कैन भी आपने ब्लॉक करना, एग्रीमेंट आपने यहाँ से बात कर लेना और लास्ट में आपने अपना सिग्नेचर डालना है उसके अंदर। तो ये थी एप्लीकेशन, बहुत ही ईजी है, ऐसे आएगा आपको जाना थोड़ा सा एक भी वीक लगेंगे प्रॉपरली आपको ऐसे क्वेश्चन बनाना। तो ये थी नाइस मैसेज कर रही थी कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बेनिफिशियल साबित हुई होगी। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में अपने बहुत सारे तैयार।